और दिखाया जी असर तुसी फेर लो मैं फेर लो बाबा जी ने लगता सही ते बनाया सारे अल-वहाब का मतलब है अता करने वाला देने वाला। वहाँ भी कहा गया था अहले हदीस को मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इन अहले तकलीद की तरफ से अहले हदीस के खिलाफ प्रोपेगंडा करते हुए और कि ये बुजुर्गों को नहीं मानते और बुजुर्गों के मजारात गिरा देते हैं और बुजुर्गों के बेअदब हैं और गुस्ताख हैं। और वहाँ भी अहले हदीस को कहा गया, क्यों कहा गया? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करते हुए कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब भी गुस्ताख था और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने हिजाज में और मदीने में मक्का में बुजुर्गों के मजारात गिरवा दिए। तो ये अहले हदीस भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अकीदे को इख्तियार करने वाले या फॉलो करने वाले हैं, जबकि अगर हमें उसकी तरफ नस्बत दी जाती तो हमें वहाबी की बजाय मोहम्मदी कहा जाता कि हम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पैरोकार हैं। और यहाँ ये याद रखिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने वही कुछ करवाया जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा जाद और अपने दामाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को भेजा और जाकर फरमाया तस्वीरों को मिटा दो और कब्रों को गिरा दो और बराबर करवा दो। तो यही काम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने करवाया वक्त के हुक्मरान से। और इंशाअल्लाह जहां भी दुनिया भर में अहलुल हदीस की हुकूमत आई, इंशाअल्लाह अहले हदीस वही करेगा जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। अहले हदीस वही करेगा जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने करवाया। और नहीं तो हुकूमत नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस जब तक हैं दुनिया में जो है वो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का किरदार अदा करते रहेंगे शिर्क व बिदअत और मुशरकों और बिदतियों के खिलाफ। तो अगर हमें ताना दिया जाता तो मुहम्मदी होने का दिया जाता कि हम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार थे, लेकिन यहां भी मुकल्दों के लिए मामला मुश्किल था। मुहम्मदी कहते फिर भी रोला था और वहाबी कहते फिर भी रोला था। अल वहाब ये हमारा परवरदिगार है अता करने वाला जी। तो अगर हमें वहाबी कहा गया तो इस पर हमें कोई इनकार नहीं है, क्योंकि हमारा परवरदिगार अल वहाब है तो हम उसके बंदे हैं, उसी से मांगने वाले हैं, उसी के आगे रोने पीटने वाले हैं। इसलिए हमें वहाबी होने पर भी खुशी है, हमें मोहम्मदी कहें हमें फिर भी खुशी है। लेकिन मुकल्दों ने देखा कि वहाबी कहने में तो कोई खास नुकसान नहीं किया हमने इनका, तो खास क्या खाक भी नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये तो मलका विक्टोरिया की पैदावार है, ये तो अंग्रेज की पैदावार है, ये तो अंग्रेज के बच्चे हैं, ये तो अंग्रेज के लिए काम करने वाले हैं, अंग्रेजों के एजेंट हैं। लेकिन काम यहां भी नहीं हुआ। अंग्रेज गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया की हुकूमत थी मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर जब तक थी, तो वो तो सलीबी थे, सलीब को पुकारने और पूजा करने वाले। और अहले हदीस की दावत और अहले हदीस का पैगाम वो तो इसी बात पर था कि उबदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो, हाँ जी, ना ईसा को पूजना है ना मूसा को पूजना है अलैहि मस्सलातु वस्सलाम,
अहले हदीस की दावत थी, ओ बुदुल्लाह और है ओ बुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु, एक ही इलाह को पुकारो, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। जबकि अगर हम यानी अहले हदीस अंग्रेज के जेंट होते तो हम तो कभी ओ जो है वो एक अल्लाह की पूजा की बात न करते। अगर अहले हदीस अंग्रेज के जेंट होते, मलका विक्टोरिया की औलाद होते, अगर अहले हदीस मलका बरतानिया की पैदावार होते तो अहले हदीस कभी न कहता कि उबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु। हाँ जी, जनाब हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी कौम को यही कहा ना, दीगर पैगंबरों ने यही दावत दी। तो जो पैगंबरों की दावत थी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी, वही अहले हदीस की दावत थी, है और कयामत तक होगी कि उबुदुल्लाह मालकुम इन इलाहिन गैरु। तो अगर अहले हदीस मलका विक्टोरिया या मलका बरतानिया की औलाद या पैदावार है जी, या मलका बरतानिया के क्रिएट करदा होते तो अहले हदीस तो कभी ना कहते। हाँ, अंग्रेज का एजेंट या अंग्रेज की पैदावार अहले हदीस को कहने वाले खुद मुकल्लिद गौर कर लें कि कहीं खोते की पूजा हो रही है तो कहीं कुत्ते की पूजा हो रही है, हाँ जी, बल्कि कहीं पर जनाब गद्दों का तबर्रुक दिया जा रहा है तो कहीं पर मगरमच्छों की पूजा हो रही है। बल्कि क्या आपको बता ही दो ना, सच कहने में कोई गुनाह तो नहीं है ना, सच कहने में कोई शर्म भी नहीं है। आप गूगल शरीफ पर जाकर लिखें LUN तो लन्नों वाली सरकार, और ये पाकिस्तान ही है जहां किसी बाबे के मजार पर कब्र के ऊपर इन्होंने लकड़ी के LUN बना रखे हैं। एक मरतबा मैंने आपको तर्जमा बता दिया इसका, फिर आप खुद सोचें। तो बकायदा जाकर उन LUN का भी तबर्रुक लिया जाता है। तो अहले हदीस को अंग्रेज की पैदावार कहने वाले ये देख लें, अहले हदीस तो एक अल्लाह की पूजा करते हैं, अहले हदीस तो एक अल्लाह की पूजा की तरफ दावत देते हैं। जबकि नसारा और यहूद हाँ जी, उन्होंने तो एक अल्लाह के साथ मजीद इलाह और माबूद बना रखे हैं। वो तो सलीब के पुजारी हैं, वो तो बीवी मरियम के पुजारी हैं, वो तो हजरत मसीह के पुजारी हैं, वो तो हजरत मूसा के पुजारी हैं, हजरत उजैर के पुजारी हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अब फैसला आप कर लें कौन अंग्रेज की पैदावार है और कौन मलका बरतानिया के क्रिएट करदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने खालिक ही को पूछते हैं जो कि अल्लाह है, जो कि रहमान और रहीम है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम मोहम्मदी भी हैं, कि हमारे प्यारे नबी जनाब हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे नबी की निस्बत करके हम मोहम्मदी हैं। हम वहाबी भी हैं कि कुरान ने कहा इन्नक अंतल वहाब, आले इमरान पारा नंबर 3, 16 लाइन कुरान मजीद अगर आपके पास हो ना तो ये आले इमरान का दूसरा पेज बनेगा, इन्नक अंतल वहाब, बाकी भी कुरान में आपको मिल जाएगा। तो हम वहाबी भी हैं क्योंकि हमारा परवरदिगार अल वहाब है। हाँ, हम अंग्रेज के एजेंट नहीं है, हम मलका बरतानिया के क्रिएट करदा नहीं है, हम मलका विक्टोरिया की औलाद नहीं है। हमारा खालिक अल्लाह है और अहले हदीसों का खालिक जो है वो वादतुल वजूद किस्म का या शहूद या हलूल किस्म का खालिक भी नहीं है। जो अहले हदीस का खालिक है वो अर्श पर मुस्तवी है, और अहले हदीस के खालिक का अर्श कहाँ है, फौक सबा समावात, सातों आसमानों के ऊपर है, और उसी पर सुमस्तवा अल अर्श, और उसी पर अर्रहमान अल अर्श इस्तवा, अहले हदीस का परवरदिगार मुस्तवी है, उसका इस्तिवा मालूम है, उसकी कैफियत मजहूल है। और अहले हदीस के परवरदिगार के मुतल्लिक सवालात करना ये बिदत है, उसके इस्तिवा के मुतल्लिक सवाल करना ये बिदत है। तो भाई मेरे, ये है अहले हदीस का मुहम्मदी होना, वहाबी होना। एक और चीज भी ऐड कर लें, चलो जी हम सलफी भी हैं। सलफ यानी सहाबा ताबेईन वगैरह के हम पैरोकार हैं रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। अकीदे में, मनहज में, मसाइल में हम
बल्कि दीन में, दुनिया में, खुशी में, गमी में, मरने में, जीने में, रोने में, हंसने में, सोने में, जागने में, अल्लाह हु अल्लाह, मस्जिद में, बाजार में, हम हर चीज के अंदर सलफ के पैरोकार हैं, इसलिए हम सलफी भी हैं। बल्कि एक और चौथी चीज भी आ गई जी, हम असरी भी हैं। असरी हाँ जी, क्या मतलब? सहाबा और ताबेईन के राह पर और उनके कौल और अकवाल पर और उनके तरीके पर चलने वाले। तो हम मोहम्मदी भी हैं, हम वहाबी भी हैं, हम सलफी भी हैं, हम असरी भी हैं। हाँ, अगर हम कुछ नहीं हैं तो अंग्रेज के एजेंट नहीं हैं, मलका बरतानिया की औलाद नहीं है, हाँ जी, मलका विक्टोरिया के क्रिएट करदा नहीं है। क्यों? वो सलीब के पुजारी, वो मसीह के पुजारी, वो उजैर के पुजारी अलैहि वसलातु वसलाम, और हम अल्लाह एक अकेले की पूजा करने वाले, एक अल्लाह अकेले वहदहु ला शरीक माबूदे बरहक की तरफ लोगों को बुलाने वाले। मालकुम मिन इलाहिन गैरुह।